अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सईद। टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोकिया के जो विंडोज फोन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट लूमिया के, उनको बगैर डोंगल के, बगैर बॉक्स के कैसे फ्लैश किया जाएगा। वैसे तो मैं पहले वीडियो में आपको इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल के जरिए फ्लैशिंग सिखा चुका हूँ। तो देखें, ये जो आपको सॉफ्टवेयर पहले मैंने बताया था कि इससे आप मीडिया टेक फोन और नोकिया के दूसरे फीचर फोन को तो फ्लैश कर सकते हैं। तो देखें, इस सॉफ्टवेयर का नाम है नोकिया सॉफ्टवेयर रिकवरी। अगर हम इसके साथ किसी विंडोज फोन को कनेक्ट करेंगे तो देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स करता है। देखिए, इस वक्त देखें, मैंने एक विंडोज फोन कनेक्ट किया है तो ये आपको मैसेज देता है कि फोन इज नॉट सपोर्टेड, कि आप इसके जरिए जो है इस फोन को फ्लैश नहीं कर सकते। साथ ये बता रहा है कि दिस मॉडल इज नॉट सपोर्टेड बाय नोकिया सॉफ्टवेयर रिकवरी टूल्स। फॉर विंडोज फोन यू नीड टू Use Windows Device Recovery Tools। तो आपने मेरे पास, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप जब फर्स्ट टाइम विंडोज फोन को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है तो ये छोटा सा एक सॉफ्टवेयर आपको देगा। ठीक है, वैसे मैं आपको उस सॉफ्टवेयर का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे इसने भी आपको बताया था इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होगा, छोटा सा 2 से 3 MB का सॉफ्टवेयर है, तो फिर आपने अगर विंडोज फोन को, लूमिया के फोन को बगैर डोंगल के फ्लैश करना चाहते हैं तो फिर आपने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना। बल्कि ये देखें, डेस्कटॉप पे जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ये आइकन नजर आएगा, विंडोज डिवाइस रिकवरी टूल्स, इसको आपने रन करने। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर की क्या खूबी है ये भी आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि इसके जरिए आप बगैर डोंगल्स के काफी सारे फोन्स की फ्लैशिंग कर सकते हैं। ये देखें, जो ही मैंने इस सॉफ्टवेयर को रन किया है तो ये आपसे पूछ रहा है डिवाइस सिलेक्शन, प्लीज सेलेक्ट डिवाइस टू कंटिन्यू। कि अगर आपके पास जो हमने सेट किया है वो देख ली, लूमिया का ये शो कर रहा है लूमिया 530, लेकिन अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि माय डिवाइस नॉट डिटेक्टेड, इस पर क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपके पास फोन लूमिया का है जो माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस है, या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस क्लिकर है। ठीक है, या अदर OEM कोई और मोबाइल है। अगर फर्ज करें आपके पास HTC में विंडोज फोन आ जाता है या LG में विंडोज फोन आ जाता है, ठीक है, या MSI, तो ये बेसिकली जो है विंडोज फोन के लिए, यानी इन कंपनियों ने भी, लूमिया के अलावा इन कंपनियों ने भी विंडोज फोन बनाए थे। ठीक है, ये और बात है कि इनके भी डेफिनेटली, जैसे नोकिया के कामयाब नहीं हुए तो इनके भी नहीं हुए, तो इनमें से भी कोई ब्रांड अगर आपके पास आ जाता है और उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसको भी यहीं से फ्लैश कर सकते हैं। इसमें देख लें, काफी सारे ब्रांड है, लिनोवो है, एक्सोलो है, और इसी तरीके से बैक करेंगे तो ये सारी चीजें HP वगैरह के, वायो के, एसर के, HTC, LG, माइक्रोमैक्स। तो खैर, हमारे पास क्योंकि अभी लूमिया का फोन है और हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि विंडोज फोन को बगैर डोंगल के कैसे फ्लैश किया जाएगा, तो इसके लिए हम बैक करेंगे, अगेन बैक करेंगे, और हमारे पास क्योंकि लूमिया का फोन है तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये रीडिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन, अब देखें ये आपको बता रहा है कि आपका जो फोन है लूमिया 530, इस पे इस वक्त ये वाला सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, जबकि सर्वर पे लेटेस्ट फर्मवेयर ये वाला आया है। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे ठीक है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर के, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। उसके बाद वो कह रहा है कि आप अपना पर्सनल डाटा वगैरह बैकअप कर लें, क्योंकि फोन फ्लैश होगा सारी चीजें आपकी इरेज हो जाएंगी। तो हम कहते हैं कि ठीक है, ठीक, कंटिन्यू। और इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि सर्वे एक वो कर रहे हैं कि व्हाई आर यू रिकवरिंग योर फोन, आप अपने फोन को रिकवरी क्यों करना चाह रहे हैं, क्या माई एप्स आर नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, कि आपकी एप्स आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रही, आई एम एनकाउंटरिंग परफॉर्मेंस इशूज, आपको उसकी परफॉर्मेंस में कोई मसला पेश आ रहा है, द प्रीवियस वर्जन सीम्ड फास्टर, कि पिछला वर्जन बेहतर था, या प्रीवियस वर्जन सीम्ड मोर रिलायबल, या पिछला वर्जन ज्यादा बेहतर था नए वर्जन से, या माई डिवाइस इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, आपकी तवक्को के मुताबिक डिवाइस काम नहीं कर रही। अब अगर आपने इनमें से किसी भी चेक लगाने तो लगा लें, अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है, आप सिंपल कंटिन्यू विदाउट सबमिटिंग पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद ये इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैंने पहले भी इस सेट को लगाया था और कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका होगा, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, और उसके बाद बाकी सॉफ्टवेयर जो है फिर रिमेनिंग डाउनलोड होगा। ठीक है, इस वक्त ये डाउनलोडिंग पैकेज चेक कर रहा है, तो ये देख लें कि इस फोन का सॉफ्टवेयर जो है 1.23 GB था, और मैं क्योंकि टाइम बचाने के लिए पहले मैंने डाउनलोडिंग पे लगाया था तो उस वक्त तक 1.13 GB डाउनलोडिंग हो चुकी। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी फोन लगाएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में भी आसानी होगी। ये जो सॉफ्टवेयर है नोकिया सॉफ्टवेयर रिकवरी टूल, ये ऑटोमेटिकली उस मोबाइल का सॉफ्टवेयर जो है
खुद ब खुद सर्वर से डाउनलोडिंग करना शुरू कर देगा, और उसके बाद जो भी सीन है आप स्क्रीन पे देखेंगे। इस वक्त डाउनलोडिंग कंप्लीट होने में तकरीबन 1 मिनट और लगेंगे, तो जब तक ये कंप्लीट होता है हम थोड़ा सा मजीद वेट कर लेते हैं। तो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग प्रोसेस तकरीबन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। 1.23 GB की फाइल थी और 1.23 GB की फाइल जो है वो मुकम्मल तौर पर डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्या सीन आएगा, किस तरीके से इसकी फ्लैशिंग होगी, ये सारे का सारा अब आपका काम खत्म, जो भी करना है इस सॉफ्टवेयर ने खुद ही करना है सब कुछ। तो इस वक्त देखें सॉफ्टवेयर मुकम्मल डाउनलोड होने के बाद सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉलेशन स्विचिंग द डिवाइस टू फ्लैशिंग मोड, यानी ये खुद ही मोबाइल को रीस्टार्ट करके फ्लैश मोड पे ले जाएगा और उसके बाद देखें इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, ये आपका फोन जो है फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको बार चलती हुई नजर आ रही, इसी तरह मोबाइल फोन पे भी आपको वाइट बार चलती हुई नजर आएगी। जो ये बार कंप्लीट होगी तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप विंडोज फोन को भी बगैर डोंगल के, मसलन आपके पास अगर ATF बॉक्स नहीं है या नोकिया इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल नहीं है, तो आप बगैर डोंगल के भी विंडोज फोन को इस सॉफ्टवेयर के जरिए नोकिया डिवाइस रिकवरी टूल 3.14 के जरिए फ्लैश कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अभी मजीद टाइम लगेगा, तो जब तक कंप्लीट होता है थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। इस वक्त तो देख सकते हैं कि फ्लैशिंग प्रोसेस जो है तकरीबन 95-96% जो है कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको स्क्रीन पे देख लें समरी, सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉलेशन रिजल्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, ये आपका फ़ोन फ्लैश हो चुका है, अब हम फिनिश करेंगे और उसके बाद सेट जो ही ऑन होगा तो ये आपको कनेक्टिविटी शो करेगा। यहाँ पर आप चाहें तो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन डिस्कनेक्ट करने, बाकी जो भी सेटिंग वगैरह है आपने फ़ोन से करनी। तो स्टूडेंट्स ये था तरीका कार नोकिया के जो विंडोज फोन होते हैं दुनिया के, अगर आपके पास डिवाइस डोंगल वगैरह नहीं है और उसमें कोई सॉफ्टवेयर का इशू है तो आप बगैर डोंगल के भी नोकिया रिकवरी डिवाइस रिकवरी टूल के जरिए इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।